questions for Neerja, okay? And press conference में हमने एक बात सुनी थी आपकी मौसीकी जो करंट सिनारियो चल रहा है टेलीविजन में उसमें एक ऐसा शो लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, थोड़ा रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व है. व्हाई डू यू से दैट? बिकॉज बहुत आसान होता है उंगली उठाना किसी भी कहानी पे. जब आप कोई एक डेयरिंग काम करते हैं, एक डेयरिंग कहानी लेके आते हैं, एक ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट पे कहानी कहना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग उस पर उंगली उठाते हैं. और आजकल जिस तरह से इन्वायरमेंट सोशल मीडिया पे चल रहा है, कोई भी अच्छा काम करें, बुरा काम करें, मतलब लाखों करोड़ों लोग आपके ऊपर उंगली उठाते हैं. हर कहानी कहने के, हर सब्जेक्ट के दो पहलू होते हैं, तो ये बहुत आसान है. तो इसलिए मैंने यही बात कही कि इस कहानी में वो रिस्क ज़रूर इन्वॉल्व है कि हम एक ऐसे नाजुक, ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट को उठा रहे हैं. उस पर उसको करना बहुत हिम्मत का काम है, हमारे लिए भी और चैनल के लिए भी, कलर्स के लिए भी. ये बहुत जिगरा चाहिए इसको करने के लिए. आई डोंट थिंक कि बहुत सारे चैनल इस तरह के सब्जेक्ट को टच भी करना चाहेंगे, क्योंकि हम इस कहानी को लेके बहुत सालों से प्रयास कर रहे थे. एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट इट इज़ हैपनिंग फाइनली. अक्सर हमने जो एक पैटर्न देखा है टेलीविजन में, वो होता है कि शुरुआत तो एक सब्जेक्ट को पकड़ के होती है, इवेंचुअली 3 महीने बाद या 4 महीने बाद इट फॉलोज अ टिपिकल स्टोरी. वी अंडरस्टैंड इसमें व्यूवर्स की भी उतनी ही गलती है. इसके आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये सच में टेलीविजन मेकर्स के हैंड में होता है या नहीं होता है, या उन्हें ऑडियंस के हिसाब से एक पॉइंट पर चलना उनकी मजबूरी हो जाती है? मैं देखिए बाकी शोज़ की बात तो नहीं कर सकता. जैसे शोज़ हमने पहले पास्ट में बनाए हैं, चाहे कलर्स पे हमने एक और शो किया था, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, ठीक है, वो विडो रीमैरिज की कहानी थी. और वो कहानी इस बात का सवाल उठाती थी कि एक लड़की जो एक साल की शादीशुदा होने के बाद विधवा हो गई, तो क्या उसको दोबारा प्यार करने का या दूसरा जीवन शुरू करने का हक है कि नहीं. तो आई थिंक पहले एपिसोड से लेकर आखिरी एपिसोड तक, या आप कलर्स के बाकी शोज़ भी देखिए, मैं ऐसा नहीं कि कलर्स के चैनल पे की तारीफ़ कर रहा हूँ, बट ये है, चाहे बालिका वधू के दिनों से लेके. तो अगर मैं सिर्फ नीरजा की बात करूँ, तो नीरजा में जो मूल कहानी, जो वन लाइन है, आई डोंट थिंक कि वो कभी चेंज हो पाएगा. आई डोंट डिसअग्री व्हाट यू आर सेइंग कि कई बार, क्योंकि 7 दिन हफ्ते की कहानी हमें पेश करनी होती है, तो कई बार चीज़ें डाइग्रेस होती हैं. बट एट द मोमेंट वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास 3 से 4 महीने की 5 महीने की कहानी लिखी जा चुकी है, तो वहाँ कोई डिविएशन नहीं है, वहाँ कोई बदलाव नहीं है. हम अपनी मूल कहानी पे डटे हुए हैं. TRP आए नहीं आए, हम कम से कम वो कहानी तो चेंज नहीं करने वाले, क्योंकि वो ओरिजिनल स्टोरी में ही ऐसा है कि हमें कुछ फेक ड्रामा या फेक चीज़ें ऐसी करने की ज़रूरत नहीं है. If we talk about the casting, definitely Kamya Punjabi, she's known for all type of characters, but negativity may hold bahut zyada strong hai. But we talk about the main character, Neerja. Of course, it's going to be a complex character, jis tarah se wo aage badhega, emotions ke saath deal karna hai. And you have casted someone who is relatively new if we compare to other, you know, actresses. So what was the reason behind casting her specifically for this character? So, I think humne kam se kam nahi to shortlisted 60 से 70 ऑप्शन शॉर्ट लिस्ट, मतलब उससे भी ज़्यादा हज़ारों ऑडिशंस हुए देश भर में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, कलकत्ता में भी हुए. कलकत्ता के भी जो टॉप एक्ट्रेसेस हैं जो अभी बंगाली धारावाहिकों में काम कर रही हैं, उनके भी हमने बहुत सारे ऑडिशंस किए. द रीज़न वाई आस्था शर्मा वर्क्स फॉर अस, द सिंपल रीज़न जो आपने खुद ही कह दिया कि वो एक तो नई हैं, और उनकी जो नाइविटी है इस किरदार को निभाने की, एक सच्चापन है. वो जो एक्टिंग में एक होता ना, हम भी बहुत सारे ट्रोप्स इस्तेमाल करने लगते हैं, तो वो अभी तक वो परत चढ़ी नहीं है आस्था पे. तो उनका जो नयापन है वही इनकी स्ट्रेंथ है, और हम उनको यही कहते रहते हैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं, जैसा कर रहे हो वैसा ही करते रहो. तो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी पार्ट ऑफ इट, ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट, दैट आस्था ब्रिंग्स ऑटोमेटिकली, ऑर्गेनिकली, वी डोंट हैव टू पुश. एंड शी इज़ सराउंडेड बाई सो मेनी एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स, लाइक शी इज़ ऑपोजिट राजबीर, ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, ही इज़ डन बिहाइंड द कैमरा एंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. So I think that's a great support group we have kind of created for Aastha. So it's a good casting, I feel. How did Kamya, Sneha, Rajvi, they all just fall into place? Like, were they the first choice, ya fir uske liye bahut brainwashed hua characters ke liye? Okay, so I'll give you some secrets, huh? So I was talking to somebody else just now that at times ek hi show mein इतने सारे बड़े एक्टर्स को लाना कई बार बड़ा मुश्किल काम होता है. कभी फाइनेंसिस वर्क नहीं होते हैं, कभी रोल एक्टर को पसंद नहीं आता कि नहीं इतने सारे ऑलरेडी बड़े एक्टर्स मैं क्यों करूं. ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, हम कहे नहीं गए हैं कैमरे पे. लेकिन
फॉर्चुनेटली इन आर स्टोरी हमें कास्टिंग के लिए मैग्नेट हमारी स्टोरी थी, सो हमें वो उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा कि इन्फ्लुएंस लगाना पड़ा या हमें बहुत ज़्यादा कोई वो करना पड़ा कि यू नो अट्रैक्ट दीज पीपल टू कम ऑन बोर्ड. द स्टोरी वॉज सो ब्यूटिफुल. सो आई थिंक कामया पंजाबी वॉज आर फर्स्ट चॉइस एंड लास्ट चॉइस. एंड येस ऑफ कोर्स फॉर राजबीर कैरेक्टर वी हैव डन एक्सटेंसिव एडिशंस. एंड बट मज़े की बात यह है कि होता ना कि हम नंबर वन से शुरू और उसके बाद बहुत सारे और ऑडिशंस हुए बहुत सारे, बट वी वेंट बैक एंड सो इन दैट सेंस ही वॉज प्रैक्टिकली आर फर्स्ट चॉइस. तो या तो आई थिंक स्नेहा ऑल्सो वी डिडंट हैड मैनी ऑप्शंस. येस देयर वर कपल ऑफ ऑप्शंस बट शी वॉज आर टॉप चॉइस फ्रॉम डे वन. अयूब सर समहाउ आई वर्क विद अयूब सर 20 ईयर्स बैक. तो मैंने अयूब सर से पूछा कि ये ऐसा कैरेक्टर है, सो ही सेड उन्होंने कहानी भी नहीं सुनी, उन्होंने कहा यू नो द काइंड ऑफ शोज यू मेक आई वुड लव टू डू इट. सो आई थिंक हर एक का अलग अलग कारण था, बट हाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन यू कास्ट सच पावरफुल एक्टर्स बहुत सारी चॉइसेस होती भी नहीं है. इतने सारे इतने अच्छे एक्टर्स हैं भी नहीं आज, और ख़ासकर OTT के ज़माने में इट्स इवन मोर डिफिकल्ट टू कास्ट फॉर अ TV शो. तो ये है, वी वर वेरी फॉर्चुनेट दैट ऑल ऑफ देम केम क्विकली ऑन बोर्ड. Lastly, I wish you all the best for this show. At the same time, I wanted to ask you, we have seen in the past, you know, few years, makers are trying to come up with shows which are realistic, jo kuch social taboos ke topic pe, you know, touch kar rahe. Unfortunately, viewers jo hai, wo relate nahi kar paate. They come back to fictional shows or drama shows. So to all those viewers, not only to your show, but overall, being a part of television, what do you want to say? तो देखिए, as I said earlier that हमारे कहानी में जो है वो बहुत ही रिलेटेबल चीज़ें हैं. हम इस विषय को इसलिए नहीं उठा रहे कि लोग सोनाक्षी की कहानी से रिलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. आई थिंक माँ और बेटी की कहानी से हर घर में हर माँ जो देखती है टेलीविज़न वो रिलेट कर पाएगी. देयर इज़ अ लव स्टोरी, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी ऑफ नीरजा एंड अबीर. आई थिंक ये सारे पहलू ऐसे हैं जो कहानी से हमें भटकने भी नहीं देते और लोगों के लिए एक रिलेटेबल कंटेंट भी बना रहता है. सो आई नो व्हाट यू सेइंग कि यू नो हम शुरू तो करते हैं बहुत नेक थॉट के साथ कि हम एक संसार बदल देंगे और ये कर देंगे, और अंत में जब रेटिंग्स आती हैं देन यू ओवरनाइट यू चेंज ऑल द स्टोरी. एंड सो आई थिंक इसके साथ वो होने वाला नहीं है क्योंकि ये नाम ही ऐसा है, ये सब्जेक्ट मैटर ही ऐसा है. सडनली वी कांट चेंज द बैकड्रॉप ऑफ इट, यू नो. तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि बस लोगों को ये कहानी पसंद आनी चाहिए, बड़ी मेहनत से बनाई है और बहुत ही विदाउट एनी धमाका धाड़ धाड़ ड्रामा उसके बियॉन्ड थोड़ा सा इमोशनल शो बनाने की कोशिश की है. थैंक यू सो मच. थैंक्स.